ताली वाली बजाइए, लगना चाहिए आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ताली बजाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले फायदा तो ये है कि आपके आसपास अगर मच्छर कोई होंगे तो भाग जाएंगे। दूसरा फायदा ये है कि कोई पड़ोसी आपकी जेब में हाथ नहीं डाल पाएगा। तीसरा फायदा ये है कि आपको आपके खून का सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और सबसे अहम फायदा ये है कि अगले जन्म में आपको घर घर जाकर ताली नहीं बजाना पड़ेगी। बजाइए ताली वाली बजाइए ना, बहुत देर में समझ में आता है। दोस्तों मैं बताऊं आपको क्या है कि आपने मुझे हो सकता है कई चैनलों पर नहीं देख पाया होगा, लेकिन आज यहाँ देख सकते हैं आप। दोस्तों जैसे ही पंकज भाई का फोन आया मेरे पास, आज कल आया था तो आज मैं आ रहा था, तो पत्नी मुझसे कहने लगी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा एसीसी सीमेंट का एक कार्यक्रम है कंपनी का, उसमें जा रहा हूँ। तो पत्नी कहने लगी जाइए। तो भाई साहब मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने पत्नी से कहा मेरी पैंट कहाँ रखी है। बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। पत्नी बोलेगी जब भी तुम किसी प्रोग्राम में जाते हो पूछते हो पैंट कहाँ रखी है, पैंट प्रेस हो गई क्या, ये बताओ मुझसे मोहब्बत है या पैंट से। तो भाई साहब अपन भी जल्दी में थे, बोल दिया पैंट से। पत्नी बोलने लगी क्यों। मैंने कहा भागवत तुझे छोड़ के तो मैं कहीं भी जा सकता हूं। बहुत देर में समझ में आती है क्योंकि श्योपुर से भी है कुछ लोग, भिंड से हैं कुछ लोग, आसपास संभाग से आए हुए हैं। बहुत देर में समझ पाए, मैं समझता हूँ कि आप लोग जल्दी समझ जाए करें तो अच्छा है। हाँ मेरी स्थिति बहुत खराब है साहब। अब आपको बताओ एक बार तो एक चैनल पे आ रहा था मेरा प्रोग्राम, लाइव टेलीकास्ट था, मैं घर लौट के आया तो पत्नी मुझसे कहने लगी तुम फलानी महिला के बगल में बैठे थे। मैंने कहा नहीं बैठा था। कहने नहीं तुम बैठे थे। मैंने कहा वो ये अच्छा समझ के मेरे बगल में आके बैठ गई थी पत्नी वो। मैंने कहा वो ये अच्छा समझ के क्या। पत्नी कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। कहने तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं। पत्नी बोलने लगी मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं विधवा हो जाऊं। हम लोगों की समस्या एक बार जोरदार तालियां भी बजाइए, लगना चाहिए आप लोग अपने के मूड में आ जाए। ये स्थिति हम लोगों के साथ होती है साहब। एक दिन तो मुझे आना, जैसे ऑफिस से मैं घर आया पत्नी मुझसे कहने लगी देखो घर के सामने जो आम का पेड़ लगा है इस पे रात को उल्लू आके बैठता है। और उल्लू बैठा तो ठीक है लेकिन वो रात को चिल्लाता भी है। पड़ोसन बोल रही थी कि उल्लू बैठना अशुभ होता है। मैं बोला भगवान ये बता तेरे पिताजी को मरे हुए कितने दिन हो गए। पत्नी कहने लगी वो तो बहुत दिन हो गए। मैंने पगली वो उल्लू नहीं है तेरे पिताजी है, तेरा हालचाल देखने आते हैं। लेकिन हम कवियों की पत्नी भी बड़ी होशियार होती है, कहने लगी आप कितने भोले हैं जो इतने साल के बाद सच बोले। मैंने क्या सच बोले हैं कि रात को एक नहीं दो दो उल्लू आते हैं, एक मेरे पिताजी दूसरे आपके पिताजी। तो हम लोगों की स्थिति ये होती है साहब। हम लोग कभी कभी सफर करते हैं, सफर में बड़ी समस्याएं आती है साहब। एक बार तो ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पर उतरा, एक भिखारी मेरे पास आया, कहने लगा बाबूजी कुछ दे दो। मैं भाई साहब भिखारियों को भीख नहीं देता हूँ, लेकिन उस दिन खुदा ना खास्ते मेरी जेब में बहुत सारी अठन्नियां पड़ी हुई थी। ग्वालियर में उसका चलन नहीं है लेकिन साउथ में चल देंगे साहब। तो मैंने उसको अठन्नी निकाल के दी तो नीचे से ऊपर तक उसने मुझे देखा, कहने लगा बाबूजी आप पंजाब से आ रहे हैं। मैंने कहा तो रहा हूँ यार, क्या मुंबई से आ रहे। मैंने कहा रहा हूँ यार, क्या बाबूजी अपने पैसे वापस ले लो। मैंने कहा रख ले तेरे काम आएंगे। तो भिखारी बोला बाबूजी मैं अपने खानदान वालों से नहीं लेता हूं। मैंने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं ग्वालियर का बहुत बड़ा हास्य व्यंजक कवि हूं, मुझे पूरा शहर जानता, तू नहीं जानता है। कहने लगा बाबूजी आज तक नहीं जानता था मगर आज जान गया हूं। मैंने क्या जान लिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मांग रहा हूं और आप मांगने के लिए इतनी दूर जा रहे हैं। ऐसी समस्याएं होती रहती है साहब। तो कविता की बात आ रही थी यहाँ पर, प्राची जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आप ये भाई साहब लाइट वाइट या थोड़ी सी ज्यादा नहीं पड़ रही मुझे लाइट पे। दोस्तों एक बात याद आ रही कि भीगी भीगी बरसात में आजकल आंकलित खपत की बड़ी समस्या है। ग्वालियर में बहुत ज्यादा परेशान है लोग आंकलित खपत से। तो मुझे बात याद आती है भीगी भीगी बरसात में घनघोर अंधेरी रात में हम अपने मित्र के घर गए। चौधरी साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं। हाँ चौधरी साहब जाग रहे हैं, कबीर जी भी जाग रहे हैं। तो दोस्तों मुझे आ रहा है कि भीगी भीगी बरसात में घनघोर अंधेरी रात में हम अपने मित्र के घर गए। घर में अंधेरा देख देख डर गए। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई
घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई चले आइए चले आइए। हमने कहा भैया लाइट तो जलाइए। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है, पड़ोसी घर की आती नहीं है।